हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से क्लास में हम क्लास 9th के मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 2 है संख्या। इस संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संख्या में हम पहला पढ़ेंगे, पहला जो होता है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, और इसी प्रकार से चौथा होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा ध्यान से, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जो है वह 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले करके अनंत तक, इन्फाइनाइट तक जाती है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के जहाँ तक आप गिन सकते हैं अनंत तक जाती है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसमें 0 शामिल नहीं होता है, 0 शामिल नहीं, इसमें 0 नहीं होता है दोस्तों, इसमें 0 नहीं होता है, शून्य शामिल नहीं होता है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं और 1, 2, 3, 4, 5 इसी क्रम में अनंत तक जाती है, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में अंतर यह है कि प्राकृतिक पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर 0 शामिल है। इसी प्रकार दोस्तों पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का मिला जुला होता है। अंतर इसमें इतना है कि पूर्णांक में ऋणात्मक जो संख्याएं होती है वो भी शामिल होती हैं। देखें कैसे, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के 5, 4, 3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 ऐसे लेकर के अनंत तक जाते हैं दोस्तों। तो ये जो है पूर्ण संख्या माइनस से लेकर के 0 और 0 से लेकर के प्लस से लेकर के अनंत तक जाती हैं, इसे कहते हैं पूर्णांक कहा जाता है इसको, इसे कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं 0 और सभी धनात्मक संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। पूर्णांक में पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का मिला जुला रूप है और इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। ऋणात्मक संख्या शामिल, इसमें दोस्तों ऋणात्मक संख्या क्या होती है, शामिल होती हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, परिमेय संख्या क्या होती है। देखिएगा दोस्तों परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या धन पूर्ण संख्या धन पूर्णांक, ये तीनों शामिल होते हैं। परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक तीनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं, तीनों शामिल होते हैं। और इसके अलावा दशमलव वाली संख्याएं, इसके अलावा दशमलव संख्या भी इसमें शामिल होती है। अब हम प्राकृतिक परिमेय संख्या का उदाहरण देखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों परिमेय संख्या का उदाहरण देखते हैं। परिमेय संख्या जो होती है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक तीनों का मिला जुला रूप होता है और इसमें दशमलव वाली संख्या अलग से जुड़ी होती हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 0 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, -1, 2, -3 ठीक है, -1, -2, -3 इस प्रकार से ये भी एक परिमेय संख्या है। और इसके अलावा जो है, जैसा कि मैं आपको बताया दशमलव वाली संख्याएं, तो 2.3, 4.54, 9.653 इस प्रकार से दशमलव वाली भी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। और इसके अलावा बटे वाली संख्या, जैसे कि 3/2, 5/9, 6/14 इस प्रकार से
बटे वाली संख्या जो होती है, जो भिन्न में जो संख्याएं होती है बटे वाली, वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। और इसके प्रकार से बटे में ऋण वाली संख्या, ऋण 9/12, ऋण 3/2, ऋण 5/4, इस प्रकार से जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में होती हो परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में होती है वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया, कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है। अब P बटे Q के रूप में जो है जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, सभी संख्या P बटे Q के रूप में होती है। जैसे कि मैं बोलूँगा एक जो है परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल एक परिमेय संख्या, क्योंकि यह P बटे Q के रूप में, एक को हम लिख सकते हैं 1/1, यह P बटे Q के रूप में हो सकती है। यदि मैं बोलूँगा 3 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह भी एक P बटे Q में, 3/1 यह भी एक P बटे Q के रूप में है। कोई भी संख्या जो है वो P बटे Q के रूप में होती है तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि मैं बोलूँगा 3.5, यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे बटे के रूप में लिख सकते हैं 35/10, यह भी एक P बटे Q के रूप में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यदि मैं बोलूँ कि -3 परिमेय संख्या है कि नहीं, यह बिल्कुल एक परिमेय संख्या, क्योंकि हर में कुछ नहीं है तो एक होगा ही होगा, P बटे Q के रूप में है। यदि कोई अकेली संख्या है और उसके हर में कुछ नहीं है तो हर में एक होता है, यह P बटे Q के रूप में है। यदि 3 अकेले संख्या है और इसका हर में कुछ नहीं तो हर में एक होगा, तो 3/1 P बटे Q के रूप में है। 3.5 35/10 हो जाता है, P बटे Q के रूप में है। ऋण 3 इसके हर में कुछ नहीं है तो हर में एक होगा, तो ये माइनस ऋण 3/1 P बटे Q के रूप में, ये भी एक क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है। और यदि मैं बात करूँ 4/9, ये तो P बटे Q के रूप में दिख ही रहा है, तो यह जो है ये भी एक परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है, P बटे Q में Q नॉट इक्वल टू 0। ये एक बहुत बड़ा शर्त है दोस्तों परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या पी बटे क्यू में क्यू जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्यू जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यदि क्यू जो है शून्य नहीं होना चाहिए, यदि क्यू जो शून्य हो जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो पी बटे क्यू में क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बात करो 3/2, यदि 3/2 एक परिमेय संख्या है, यदि मैं बोलूँ 3/0 तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्यू का मान जो है वो शून्य हो जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों, कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन एक शर्त है कि उसके हर में शून्य ना हो। कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, किंतु P बटे Q के हर Q शून्य ना हो। यदि P बटे Q में Q जो है नॉट इक्वल टू 0, यदि हर शून्य ना हो तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। यदि मैं बोलूं कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य के हर में कुछ नहीं है तो शून्य के हर में एक तो होगा, तो यह एक P बटे Q के रूप में है। शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन मैं बात करूं 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 1/0 जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर P बटे Q, Q 0 हो गया, इसलिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, किंतु उसके हर में शून्य नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्या के उदाहरण और उसके सवालों को हल करते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या को हल करने के पहले हम संख्याओं का निरूपण जान लेते हैं। संख्याओं का निरूपण किस प्रकार से होता है,
संख्या पद्धति में संख्याओं का निरूपण किस प्रकार से होता है, जैसे कि मैं बात करूं कि 0, 1, 2, 3 -1, 2, 3 इस प्रकार से निम्न संख्याओं को संख्या रेखा में रूपित कीजिए, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा में रूपित कीजिए। बहुत ही आसान है, आपको एक संख्या रेखा बनाना है और इसके बीच में रहता है जीरो, इसको अक्ष बोलते हैं और बीच में जीरो रहता है। इस जीरो के बाईं तरफ, इस जीरो के बाईं तरफ जो है वो धनात्मक संख्या होती है, जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 जीरो के बाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है, और इसी जीरो के दाईं तरफ जो है, सॉरी, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है। इसी प्रकार से जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे कि जीरो है तो -1 हो जाएगा, -2, -3, -4 इसी प्रकार से -5, -6, -7 ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा -∞ तक, और ये जाएगा धन के इन्फिनिट। तो इसी प्रकार से ऋण के इन्फिनिट, धन के इन्फिनिट तक जाएगा जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो यदि मैं कहूं कि आप संख्याओं का निरूपण किस प्रकार से करेंगे, यदि मैं बोलूं कि 1 कहां पर है तो 1 यहां पर है, 3 कहां पर है, 3 यहां पर है, -3 कहां पर है, -3 यहां पर है, -2 कहां पर, -2 यहां पर है। तो इस प्रकार संख्याओं के निरूपण में पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक को अच्छी तरीके से आप निरूपित कर सकते हैं, देख करके निरूपित कर सकते हैं। किंतु यदि परिमेय संख्याओं का निरूपण करना हो तो उसके लिए आपको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का निरूपण। परिमेय संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा में किस प्रकार से किया जाता है, चलिए इसके लिए पहले हम एक परिमेय संख्या लिख लेते हैं। मान लीजिए कि परिमेय संख्या है 1/2, 1/4, 1/5। निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपण करने के लिए आएगा तो आपको दो चीज़ देखना है, परिमेय संख्या का पी और क्यू। यदि परिमेय संख्या का पी अंश जो है छोटा है वो हर बड़ा है तो ये संख्या जो है वो 1 से कम होगी। फिर से सुन लीजिए, यदि परिमेय संख्या का पी क्यू से छोटा है, यदि पी क्यू से छोटा है, अंश हर से छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो यह जो संख्या है वह 1 से कम होगी। जितनी भी संख्या है 1/2, 1/4, 1/5 यह 1 से छोटा है, तो 1 से छोटी रहेंगे और 1 के अंदर ही निरूपित की जाएंगी। तो याद रखिएगा, यदि परिमेय संख्या में अंश छोटा है और हर बड़ा है तो ऐसी संख्या 1 से छोटी ही होंगी और 0 से 1 के मध्य ही निरूपित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 1 के मध्य संख्या निरूपित की जाएगी। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैं एक संख्या रेखा बनाया हूँ, आप देख सकते हैं यह 0 है, यहाँ पर 1 है, मैंने समझाने के लिए इसको दूर दूर बना दिया हूँ। अब इसके बाद जो है ये कम से 1 के बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर इन्फिनिट तक जाएगा। यहाँ पर भी 0 है, फिर ऋण है, फिर ऋण 2, फिर ऋण 3, फिर 0 माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि यदि परिमेय संख्या में यदि अंश जो है छोटा है वो हर बड़ा है तो ये जो है 1 से छोटा ही होगा। ठीक है दोस्तों, यदि परिमेय संख्या में अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो यह जो परिमेय संख्या है वो 1 से छोटी होंगी और 1 के अंदर ही निरूपित की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इन परिमेय संख्याओं को इसमें संख्या रेखा में निरूपित करते हैं। तो पहले इसको देखते हैं 1/2 देख सकते हैं। तो 1/2 को आप संख्या रेखा से निरूपित करेंगे तो देख सकते हैं। सबसे पहले हर को देखते हैं, हर में दो है और अंश में 1 है, तो 1/2 0 और 1 के मध्य ही आएंगे क्योंकि 1 से छोटी हैं, तो 0 और 1 के मध्य ही रहेंगी। तो हर में 2 है इसीलिए 0 और 1 के मध्य में जो जगह है इसे हम दो भाग में विभाजित करेंगे। हर में 2 है इसीलिए 0 और 1 के मध्य में जो जगह है, जो खाली जगह है, इसे हम दो भाग में विभाजित करेंगे। तो दो भाग में विभाजित करने के लिए एक लाइन खींचेंगे। यदि हम तीन भाग में बांटना होता तो दो लाइन खींचते, क्योंकि यहाँ पर दो भाग में विभाजित करना है इसलिए हम सिर्फ एक लाइन खींचेंगे। तो बीच में एक लाइन खींच लेते हैं,
अब ये दो भागों में विभाजित हो गया है, क्योंकि एक बटे दो के हर में दो है, इसीलिए हम इसे दो भाग में विभाजित किए हैं। यदि चार होता, यदि चार होगा तो हम तीन भाग में विभाजित करेंगे, तीन लाइन खींचेंगे। यदि पाँच होगा तो पांच भाग में विभाजित करेंगे, और पांच भाग में विभाजित करने के लिए चार लाइन खींचेंगे। तो जितने भाग में विभाजित करना होता है उससे उससे एक कम लाइन खींचते हैं। जैसे कि दो भाग में तो एक लाइन खींचे, चार भाग में बांटना होगा तो तीन लाइन खींचेंगे, पांच भाग में बांटना होगा चार लाइन खींचेंगे। जितने भाग में बांटना होता है उससे एक कम लाइन खींचते हैं और उतने भाग में हम उसे बांट देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर जीरो है, तो जीरो के बाद यहाँ पर आता है एक बटा दो, फिर यहाँ पर आएगा दो बटा दो, दो बटा दो का मतलब एक ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम एक बटा दो को संख्या रेखा में रूपित कर चुके हैं। एक बटा दो को दो भाग में बांट करके यहाँ पर जीरो आएगा, फिर एक बटा दो आएगा, फिर दो बटा दो आएगा, फिर तीन बटा दो आएगा, फिर चार बटा दो आएगा। इसी प्रकार से हम लिखते जाते हैं। तो एक बटा दो है और यहाँ पर दो बटा दो है, मतलब एक ही होता है, तो एक बटा दो को हम इसमें रूपित कर चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों एक बटे चार, एक बटे चार को संख्या रेखा में किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों एक बटे चार को संख्या रेखा में रूपित करने के लिए जीरो और एक के मध्य जो जगह है उसे चार भागों में हमको विभाजित करना पड़ेगा। तो चार भागों में विभाजित करने के लिए हमें तीन लाइन खींचना पड़ेगा, एक लाइन, दो लाइन और इसी प्रकार से तीन लाइन। तो देखते हैं एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। जीरो और एक के मध्य जो खाली जगह है उसे चार भाग में हमें विभाजित कर दिया है। अब इसे गिनना शुरू करते हैं। यहाँ पर जीरो है तो ये हो जाएगा एक बटे चार, अंश और जितने भाग में हमने बांटा है, अंश और जितने भाग में हमें हमने बांटा है, हमने चार भाग में बांटा है इसलिए अंश तो वही रहेगा सब में, अंश और जितने भाग में हमने बांटा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बटे चार है तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, दो बटे चार हो जाएगा दोस्तों। हर सेम रहेगा क्योंकि हमने चार भाग में बांटा है इसलिए यहाँ पर चार ही लिखेंगे। अंश जो है बढ़ता जाएगा, जैसे कि जीरो है यहाँ पर एक बटे चार हो गया, फिर दो बटे चार, फिर तीन बटे चार हो जाएगा और यहाँ पर होगा चार बटे चार जो कि एक के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से हम एक बटे चार को यहाँ पर निरूपित कर दिए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बटे चार को संख्या रेखा में हमें बांटना है तो इसके लिए हम जीरो से एक के मध्य में जितनी खाली जगह है उसे चार भाग में डिवाइड कर लिए, इसके लिए हमें तीन लाइन खींचे हैं, एक, दो, तीन, चार। तो जीरो है तो अंश और जितने भाग में हमें बांटना है, चार भाग में हम बांटे हैं तो एक बटे चार, उसके बाद दो बटे चार, फिर तीन बटे चार और इसी प्रकार से चार बटे चार, इसका मतलब एक ही होता है। तो इस प्रकार से दो एक बटे चार इसमें निरूपित हो चुके हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों हमें एक बटे पाँच को निरूपण करना है, अब उसको देखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक बटे पाँच को संख्या में निरूपित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो से तक के बीच में जो खाली जगह है उसे पांच भाग में विभाजित करना पड़ेगा। पांच भाग में बांटने के लिए हमें पता है कि हमें चार लाइन खींचना है, एक, दो, तीन, चार। तो इस प्रकार से एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच भागों में विभाजित हो चुका है। अब हम इसमें नाम लिखते हैं, जैसे जीरो है यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा एक बटे पाँच, यहाँ पर आएगा दो बटे पाँच, यहाँ पर आएगा तीन बटे पाँच, यहाँ पर चार बटे पाँच, यहाँ पर पाँच बटे पाँच, पाँच बटे पाँच जो एक के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से एक बटे पाँच जो है संख्या रेखा में रूपित हो चुका है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ अंश जो है बदलते जाता है, हर नहीं बदलता है। अंश और जितने भागों में बांटे हैं उसे लिखते जाते हैं। तो जीरो के बाद एक बटे पाँच, दो बटे पाँच, तीन बटे पाँच, चार बटे पाँच, पाँच बटे पाँच मतलब एक होता है। एक बटे पाँच को निरूपित कर चुके हैं। और अब ये तो था जब अंश जो है वो छोटा है और हर बड़ा है। इसके लिए यदि ऐसा हो जाए कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसे कैसे निरूपित करते हैं, इसे आगे हम देखते हैं। तो इस पर दोस्तों चलिए हम देखते हैं, यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो उसे कैसे निरूपित करते हैं। मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, जैसे कि है तीन बटा दो है, छः बटा पाँच है, मान लीजिए छः बटा पाँच है, उसके बाद है नौ बटा सात है। इस प्रकार से निम्न संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे निरूपित करेंगे, जहाँ पर अंश बड़ा है और हर क्या है छोटा है। चलिए दोस्तों इसके लिए आप जानते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक लाइन खींचते हैं, बीच में रहेगा, यहाँ पर रहेगा शून्य। तो आप जानते हैं दोस्तों एक दो, यहाँ पर हम ऋण एक ऋण दो,
इस प्रकार से ये रहेगा। दोस्तों इसके पहले जो है हम इन संख्याओं को हम सही क्रम में विभाजित, जैसे कि 3/2 है, 3/2 को संख्या रेखा में यदि हमको निरूपित करना है तो हमें करना पड़ेगा 3/2, 3 में 2 का हमको भाग देना पड़ेगा। यह किस कंडीशन में है, यदि अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इस कंडीशन में हमें 3 को 2 से भाग देना पड़ेगा। भाग देकर देखते हैं, 2 एकम 2, इस प्रकार से 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 धन 1/2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 6/5, 6/5, 5 एकम 5, 1 आया, 1 सही 1/5, इसे हम लिख सकते हैं 1 धन 1/5। और इसी प्रकार से दोस्तों 9/7 को क्या लिख सकते हैं, 9/7, तो 7 एकम 7, 2, तो 1 सही 2/7, और इसको हम लिख सकते हैं 1 धन 2/7। तो इस प्रकार से हमें 3 संख्याएं मिल गई हैं, 1 धन 1/2, 1 धन 1/5 और 1 धन 2/7। तो अब इन्हीं संख्याओं को संख्या रेखा में हमें निरूपण करना है। आगे देखते हैं इसे कैसे करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें 3 संख्या प्राप्त हुई हैं, 1 धन 1/2, 1 धन 1/5 और 1 धन 2/7। यह जो है 3/2 के बराबर है, यह 6/5 के बराबर है, यह 9/7 के बराबर है। इन्हें संख्या हम कैसे निरूपित करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो 1 धन 1/2 है, तो 1 है और उसके बाद 1/2 है, तो जाहिर सी बात है कि ये संख्या जो है वह 1 से बड़ी होगी, मतलब 1 और 2 के मध्य ही होगी। यहाँ पर देखते हैं, 1 है और 1/5 है, तो यह संख्या 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, मतलब यह संख्या भी 1 और 2 के मध्य ही होगी। इस प्रकार से 1 और 2/7, तो यह संख्या भी 1 और 2 के मध्य ही होगी। तो इस प्रकार से हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, जिसके आप सभी जानते हैं, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। हमें इसे 1 धन 1/2 को निरूपित करना है, तो 1 धन 1/2 को निरूपित करने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर 1 है, तो 1 को आसानी से निरूपित कर सकते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। और 1/2 को आप जानते हैं किस प्रकार से निरूपित करेंगे, 1/2 में अंश छोटा है हर बड़ा है, तो इसके पहले मैं आपको बताया था यहाँ पर 2 है, इसीलिए इसे 2 संख्याओं में विभाजित करेंगे, किसे, 1 और 2 को 2 संख्याओं में विभाजित करेंगे। तो 2 संख्या विभाजित करने के लिए 1 लाइन खींचना पड़ता है, यहाँ पर 1 लाइन खींच दी है, 2 संख्या विभाजित हो गया है। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर रहेगा 1/2, और यहाँ पर रहेगा 2/2, 1/2 और। तो इस प्रकार दोस्तों हमें संख्या रेखा निरूपित कर चुके हैं, 1 यहाँ पर है, निरूपण हो चुका है 1/2 का, 1 और 2 बराबर हम बांट चुके हैं, 1 और 1/2, तो इसका निरूपण जो है हो चुका है। अब हम देखते हैं 6/5 को, जिसको हम लिखे हैं 1 सही 1/5, तो यह जो है 1 का निरूपण यहाँ पर हो चुका है, 1/5 जो है इसे हम निरूपण करेंगे। तो 1/5 है, हम जानते हैं कि 5 है यहाँ पर, तो 1 और 2 के बीच जो खाली जगह उसे 4 बराबर भागों में हमें क्या करना है, बांटना है। तो चलिए इसे कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें 4 लाइन खींचना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में इसे हम बांट चुके हैं। तो यहाँ पर 1 पहले से है, ये वाला 1 जो यहाँ पहले से है, चलिए 1/5, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर रहेगा 1/5, यहाँ पर रहेगा 3/5, यहाँ पर 4/5, इस प्रकार से यह संख्या जो है रहेगा। तो इस प्रकार से 1/5 को हम यहाँ पर निरूपित कर चुके हैं, तो 1 और 1/5 यहाँ पर आ जाएगा आपका, 6/5 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं 9/7 को, 9/7 को इस प्रकार से निरूपित करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 9/7 को संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए हम 1 सही 2/7 लिख दिए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि 1 तो यहाँ पर है, 1 का निरूपण हो चुका है। अब 2/7 का निरूपण कैसे करना है, तो आप सभी जानते हैं 2/7 का निरूपण करने के लिए
यहाँ पर जो है एक और दो के बीच जो खाली जगह से सात भागों में बांटेंगे, तो सात भागों में बांटने के लिए छह लाइन खींचना है, एक दो तीन चार पाँच और छः। तो इस प्रकार से एक दो तीन चार पाँच छः सात सात बराबर भागों में हम इसे बांट चुके हैं। तो चलिए इसको देखते हैं इसे कैसे करना है। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर आ जाएगा एक बटे सात, दो बटे सात, तीन बटे सात, चार बटे सात, पाँच बटे सात, छः बटे सात। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आ चुका है दो बटे सात, यहाँ पर दो बटे सात है और ये दोनों संख्या मिलकर के बनती है नौ बटे सात। तो नौ बटे सात का निपुण यहाँ पर हो चुका है। इस प्रकार से ऐसी संख्याएं जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा है ऐसी परिमित संख्याओं का निरूपण भैया बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या के बीच की जो संख्या उसे कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी परिमेय संख्याओं के बीच में जो संख्या है उसे कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम असंख्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम असंख्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।